नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी, आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नेगेटिव मार्किंग से हमें कैसे बचना है। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यानमग्न होकर सुनिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये आप ही विद्यार्थियों की काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड पर ही इसे बना रहा हूँ मैं। इससे पहले देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो ओपन कर रहे हैं, यहाँ चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हर वीडियो के नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना ज़रूरी है। उसके बाद हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा। और इसके अलावा हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए मित्रों, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो उनकी डेट आ चुकी है, और अभी उनमें थोड़ा समय है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम 100 क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लीजिए सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। ये हर सब्जेक्ट में चीज़ें सेम लागू होगी, बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए कि जैसे 2 घंटे का समय है और 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके 3% गलत होंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 73 क्वेश्चन किए, 73 में से आपके 70 क्वेश्चन सही हैं और 3 गलत हैं, तो अब इस 70 में से एक क्वेश्चन सही माइनस हो जाएगा, 69 क्वेश्चन ही आपके बचेंगे। तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन आपका कम हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग सही है या गलत है, क्या नेगेटिव मार्किंग से हमें बेनिफिट होगा या हमें नुकसान होता है। तो मित्रों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होती है। नेगेटिव मार्किंग में एक सीरियस अभ्यर्थी को कभी नुकसान नहीं होता है, और नेगेटिव मार्किंग को बनाया इसलिए गया है ताकि जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट होके आ सकें। कई बार तुक्का वगैरह, कई तुक्के लगाते हैं, तुक्के बैठ जाते हैं, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है उससे बचते हुए जो वास्तव में सिंसियर अभ्यर्थी हैं, जिसने मेहनत की हो, उसी का चयन हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव मार्किंग बनाई गई है। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपके फायदे के लिए है। मित्रों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस नेगेटिव मार्किंग से बचने के जो उपाय हैं उसे 2 भागों में डिवाइड किया है। चूंकि आपके एग्जाम में अभी समय है इसलिए इसे 2 भागों में डिवाइड किया है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का प्रोसेस एग्जाम से पहले से ही शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि हम एग्जाम में जाके बैठेंगे तो वहां हमें कैसे बचना है, वो तो पेपर के दौरान का प्रोसेस है। नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है तो उसका प्रोसेस एग्जाम देने से पहले ही शुरू हो जाता है। तो ध्यान से सुनेगा, पहले बात करते हैं पेपर से पहले, यानी जो अब समय चल रहा है ये क्या प्रोसेस है, इस समय हम क्या करें कि जब एग्जाम हॉल में जाएं तो हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती क्यों है, क्योंकि जो टॉपिक हमें अच्छे से याद नहीं होता उसी में हम कहीं ना कहीं इस डाउट में रहते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे राजस्थान के जिलों के नाम देके पूछूं, क्या इन राजस्थान के जिलों की सीमाएं आपस में मिलती है, जैसे मान लीजिए बाड़मेर है, नागौर, जोधपुर, अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इनकी सीमाएं मिलती है, या और जिलों का नाम दूं। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, आप एक सेकेंड में बता देंगे राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को आपने सैकड़ों बार पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो आसान है इसलिए आप बता पाए, आप इसलिए बता पाए क्योंकि आपने उसको सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, सैकड़ों बार पढ़ दिया है। मैं कभी भी ज़्यादा मैटर का समर्थन नहीं करता कि आप 10-10 किताबें खरीद लीजिए, एक एक चीज़ की उसको सब किताबें पढ़ दीजिए, अरे इतना मैटर पढ़िए, उतना मैटर पढ़िए। मैटर चाहे कम पढ़ें आप, इंपॉर्टेंट मैटर पढ़ें, मेन मेन मैटर पढ़ें, लेकिन कम से कम जो मैटर आप पढ़ें वो आपको 100% याद होना चाहिए। याद कैसे करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो पहले बता चुका हूँ, काफ़ी समय आज 1 साल से ऊपर हो गया कि किसी चीज़ को याद करने का तरीका क्या होता है। उसको लिख के याद कीजिए, कोई इजी कोई चीज़ है उससे जो उससे उसको जोड़ दीजिएगा, रुचिकर बना के याद कीजिए। कोई चीज़ का याद नहीं हो रहा है उसको किसी चीज़ से लिंक कर दीजिए, जोड़ दीजिए किसी चीज़ से, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं।
तो वहां आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएंगे। उसके बाद में जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं और जो प्रैक्टिस सेट हैं, इनको आपको सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता, लेकिन उसके जो ऑप्शन होते हैं वो उस क्वेश्चन को हार्ड बना देते हैं। ऑप्शन इतने घुमा घुमा के देता है वो कि आपको लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जबकि क्वेश्चन तो ईजी है। वो ऑप्शन इस तरह से बना के दे रहा है कि आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो जब एक बार आप पिछले सालों के 5-6 वर्षों के पेपर सोल्व कर लेंगे, तो आपको वो चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से वो घुमा के उसके ऑप्शन देता है और किस प्रकार से आपको उसे सोल्व करना है। और जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको सोल्व करने हैं। मार्केट में जो भी आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मिले, तो कम से कम 10-15 पेपर तो आपको निकालने चाहिए प्रैक्टिस सेट। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो तनाव है उसको आप कम कीजिए। इस समय जो स्थिति चल रही है, कई विद्यार्थी इतने तनाव और इतने टेंशन में आ गए हैं, उनको लगता है कि हमारी तो तैयारी हुई नहीं और एग्ज़ाम डेट आ गई। मित्रों, सभी का यही हाल होता है। इतना टेंशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपना सबसे बेहतर जो प्रदर्शन करता है वो हमेशा जब उस पर काम का प्रेशर हो तभी कर सकता है वो। अगर 4 महीने बाद भी डेट आती तो भी मान के चलिए आपको यही लगता कि अभी भी और आगे होना चाहिए था एग्ज़ाम, क्योंकि तैयारी अभी पूरी नहीं है। तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो तनाव है, टेंशन है, उसको आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस टॉपिक को अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस सेट करें अपने घर पर बैठ के, तो उस समय ये सोच के करें कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, और जिस समय एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो उस समय आप इतने फ्री माइंड होकर वो एग्ज़ाम दें जैसे आप घर पर बैठे हों। मित्रों, बहुत बड़ी चीज़ है ये। जिस समय घर पर बैठ के प्रैक्टिस सेट करें, उस समय आपको ये सोच के करना है, 2 घंटे तक बिल्कुल अपनी चेयर से हिलना ही नहीं है, कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ये सोच के करना है। जैसे सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसका मैंने अनाउंस भी किया था कि मैं जल्दी आपसे एक टेस्ट पेपर लूंगा, 100 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर का। तो वो आपको 2 घंटे तक बैठ के बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हों। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो वो तनाव आपसे पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग आपके फायदे के लिए। NMC मतलब है नेगेटिव मार्किंग। ये आपको ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ताकि सिंसियर स्टूडेंट है जो उनको बेनिफिट मिले। देखिए, 10 से 15 क्वेश्चन तक जो नेगेटिव होते हैं, तो उसमें कोई इतना रिस्क जो है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन किए, 100 में से 80 में से आपके 15 क्वेश्चन गलत हैं, तो 15 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके सही कितने क्वेश्चन हुए? 65 क्वेश्चन। और चूंकि 15 क्वेश्चन गलत हैं, तो 15 में 3 का डिवाइडेशन कीजिए तो 5 क्वेश्चन आ गए, यानी 5 सही क्वेश्चन आपके माइनस हो जाएंगे। तो 65 में से 5 माइनस हो गए, तो आपके पास अभी भी कितने क्वेश्चन बचते हैं? 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, 200 में से 120 नंबर। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि आपके 100 में से आप 95 करके आ गए, उस 95 में से 50 आपके सही हैं और 45 आपके गलत हैं। तो मित्रों, उसकी फिर उसका नहीं हो सकता है। 10-15 क्वेश्चन तक तो नेगेटिव हो जाता है, बैठ जाता है, अगर आप 65-70 तक सही करते हैं तो। लेकिन अगर क्वेश्चन ही 50 सही है, नेगेटिव भी आप 45 कर रहे हैं, तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया, खेल ही खत्म। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन ये स्थिति आपके पास ये 45 गलत वाली आएगी नहीं। क्यों? आप इन 2 चीज़ों को अगर अच्छे से कर लेंगे, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, याद हो, और पिछले सालों के प्रश्न पेपर और प्रैक्टिस सेट हो, तो आपको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल के दौरान। जिस समय आप एग्ज़ाम देने जाएं, बिल्कुल फ्री माइंड होके पेपर देना है आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। टेंशन सारी लेनी है तो पहले ले लेना, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। ऐसे पेपर देना जैसे आप घर पर बैठे हो आराम से। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन को अटेंड करें, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो पहले आपको उस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अगर आप उसे सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो 5-7 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो। क्योंकि वो कई बार लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में देता है, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, असत्य है, सत्य नहीं है, सत्य है, सत्य नहीं है। तो कई बार विद्यार्थी इन्हीं में ही घूम जाता है कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, बिल्कुल ध्यानमग्न होके, एक जगह ध्यान
लगा के और अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। केवल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने से ही, सावधानी पूर्वक पढ़ने से ही, शुरू से लास्ट लाइन तक आपको पूरा पढ़ना है उसको, एक एक शब्द को। आप 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा सही कर देंगे 100 क्वेश्चन का अगर पेपर होगा तो इतनी महत्वपूर्ण चीज है ये। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन है और आपको ये डाउट हो कि उसमें सही आंसर कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए अगर चारों ही ऑप्शन आपको बिल्कुल ही नहीं आते तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही है, उसको अटेंड नहीं करना। लेकिन जहां 2 ऑप्शन में आप श्योर हो कि इन 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा, बाकी 2 में से तो नहीं है, तो वहां जो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में पहली बार ऑप्शन आया था, पहली बार मान के चलिए 70 से 80% तक वो ऑप्शन सही होता है, वो तो बाद में हम दूसरे ऑप्शन को उस पर हावी कर देते हैं जिसके कारण वो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे अचेतन मन में कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ पढ़ी है तो उसका आंसर विद्यमान है। तो पहली बार पढ़ते ही जो हमारे माइंड में आंसर क्लिक होगा लगभग 70 से 80% तक वही होता है। और वैसे भी मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन है और चाहे आपको कुछ भी नहीं पता हो, आप 2 ऑप्शन में तो श्योर हैं कि जैसे सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से कोई ना कोई एक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेनी चाहिए। सिर्फ 2 में से अगर एक सही है तो ऐसे 2 में से तो आपको रिस्क फिर लेना चाहिए, कोई ना कोई कर दीजिएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पहली बार जब आप पेपर सोल्व करेंगे, हालांकि इस चीज़ों के बारे में आगे आपको और भी बताऊंगा, ये चीज़ें और भी काफ़ी कई चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि अभी आपके एग्जाम में समय है इसलिए आज इतना ही बताएंगे कि पहली बार में 100 में से आपको लगभग 45 के आसपास ही आएंगे। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू पूरी श्रद्धा के साथ पूरी जी जान से, उनकी बात कर रहा हूँ, पहली बार में आपको 45 तक क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 40 से 45 तक ही सही होते हैं पहली बार में। फिर आप जब दोबारा क्वेश्चन और पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, 3 बार तक पेपर को हल करना होता है, उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था जब सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर कि एग्जाम में पेपर को सोल्व कैसे करना है, उसका लिंक अभी भी दे दूंगा मैं, तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन अपना धीरे धीरे बढ़ाना है और आप 45 से 65-70 तक पहुंच जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे सही। उसके बाद में आपके जैसे ए बी में से आपके कोई रिस्क हो तो आप इनमें रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन वो रिस्क तब उठानी है जब 60 क्वेश्चन तक तो आपके कम से कम सही हो, 55-60 तक आपके सही हो, उसके बाद आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो मित्रों अगर इन कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम हॉल में फायदा होगा। और ये सब बिल्कुल चीज़ें जो है ये प्रैक्टिकल हैं, व्यवहारिक हैं, मैंने भी ये चीज़ें अपनाई है, मुझसे पहले के लोगों ने भी अपनाई है और अभी भी जो विद्यार्थी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और बाकी इसके बारे में और भी कई बातें जो भी मुझे लगेगा बताने वाली वो मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम तक है लगातार आपको बताते जाएंगे। तो मित्रों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक बार ही करना होता है सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।